हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका संडे की आर्ट क्लास में। आज की क्लास में हम बनाने जा रहे हैं पेपर स्नेक। इस तरह से हमारा जो पेपर स्नेक है वो बनके तैयार होगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर की स्क्वायर शीट का। सबसे पहले स्टेप में हम इस शीट के कॉर्नर्स को इस तरह से आपस में मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। इसको हम ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस एज को हम इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी हम अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। सेम वे में इस एज को भी हम सेंटर वाली लाइन के ऊपर रखते हुए फोल्ड करेंगे और यहाँ भी हम अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इस एज को इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ भी हम अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। सेम स्टेप हम इस एज के साथ भी फॉलो करेंगे और यहाँ भी हम अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। हमारी शीट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस कॉर्नर को इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर रखते हुए इस शीट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और नेक्स्ट स्टेप में भी हमें इसी एज को यूज़ करते हुए सेंटर वाली लाइन के ऊपर रखते हुए इस पोर्शन को फोल्ड कर लेना है। सेम स्टेप्स हम दूसरी तरफ भी फॉलो करेंगे। हमारी शीट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इस शीट को इस तरह से सेंटर से भी फोल्ड कर लेंगे और फेस बनाने के लिए इस तरह से हम शीट को फोल्ड करेंगे। स्नेक की बॉडी को शेप देने के लिए भी हम यहाँ पे जिगजैग वे में इसको फोल्ड कर लेंगे। और इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फ्रंट पोर्शन को ओपन करेंगे और फ्रंट टिप को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे रेडीमेड आईज का। स्केच पेन का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम टू डॉट्स लगा लेंगे और टंग बनाने के लिए यूज़ करेंगे इस तरह की छोटी सी रेड कटिंग का। सीजर का यूज़ करते हुए यहाँ से हम ट्रायंगुलर कटिंग निकाल लेंगे। ग्लू का यूज़ करते हुए इस टंग को हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्नेक है वो बनके रेडी है। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर अपने छोटे बच्चों के साथ इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।